डिस्कस साइट इवेलुएशन साइट इवेल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है जो कि जो मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर हैं वो प्रॉपर स्पेसिफिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं फॉर दी साइट इवेल्यूएशन ताकि वो एनालाइज कर सके मार्केट को ताकि वो एनालाइज कर सकें कस्टमर को कस्टमर की नीड्स को उस पर्टिकुलर साइट के परस्पेक्टिव में तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं देखेंगे डेफिनेशन के परस्पेक्टिव में सो एक्चुअली वट दे आर गोइंग टू सी कि डिमांड को भी मॉनिटर करना है और सप्लाई को भी मॉनिटर करते हैं सो वो दे ऑलमोस्ट यूज ऑल डिफरेंट टूल्स ताकि साइट की वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से हो साइट की वैल्यूएशन की एक चेक लिस्ट है वो आई विल शेयर विद यू इन अ वाइल लेकिन उस चेकलिस्ट पे जाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली इवेल्यूएशन के अंदर इट इज़ चेकिंग द मार्केट साइड एंड चेकिंग द कीपिंग इन कंसिड्रेशन डिमांड एंड सप्लाई बोथ एंड ऑल्सो द कस्टमर साइड मेरा कस्टमर को क्या चाहिए क्या नीड है क्या रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कस्टमर की जो कि उस ट्रेडिंग एरिया के अंदर है, या उस साइट के कैचमेंट एरिया के अंदर है तो एक्चुअली अगर हम इवेल्यूएशन की बात करते हैं तो ये अनालिस ऑफ द साइट है बहुत क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी आपको तमाम क्वांटिटेटिव अन्ना पैरामीटर से भी गुजारना है और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स के ऊपर से भी गुजारना है तो इसके कुछ छोटे छोटे से तीन स्टेप्स हैं तीन फेजेस के अंदर नॉर्मली हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको असेस करना है डिमांड को कि जिस एर साइड को मैं वैल्यूएट करना चाह रहा हूँ उसकी वहाँ पर क्या डिमांड है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या है डिमांड ऑफ द सर्विस क्या है डिमांड ऑफ द कस्टमर क्या है डिमांड ऑफ द मार्केट क्या है सो so आपको असेस करना है डिमांड को उसके बाद दूसरा पार्ट जो आपने करना है आपने देख इंश्योर करना है कि इन्वेंट्री सप्लाई किस तरीके से मैनेज होगी किस तरीके से ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी फॉर एग्जाम्पल द गुड्स एक्सेस टू द स्टोर द सप्लाई एक्सेस टू द स्टोर किस तरीके से होगी सो डिमांड को आपने वेल्यूएट कर लिया है असेस कर लिया है सप्लाई को असेस कर लिया है डिटर्मिन कर लिया है और थर्ड स्टेज के ऊपर अब आपको रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर कंक्लूजन निकालना है वेन यू से रियलिस्टिक बेसिस पे कंक्लूजन तो इसको आसानी से मैं ये कह सकता हूँ कि देर आर कंक्लूजन जो कि बाइसड कंक्लूजनज होते हैं लेट्स से यू लाइक इट एंड देन यू हैव इट नॉर्मली अगर आप रियलिस्टिक कंक्लूजन की बात करेंगे सो दे विल बी अ सम ऑफ डिमांड ऑफ द कस्टमर एंड देन यू सी द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और उसकी बेसिस के ऊपर आप उस साइट को इवेल्युएट करके एक प्रॉपर तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूं साइट इवेल्यूएशन की चेकलिस्ट ये वो चेकलिस्ट है कि जो कि जब हम किसी साइट को इवेल्युएट करने लगते हैं सो हमें मार्क करना है इन तमाम पॉइंट्स को विच यू नॉर्मली सी हेयर यहाँ पर लेफ्ट के ऊपर ऑन द स्क्रीन तो ये वो पॉइंट्स हैं जो के हमें हेल्प कर रहे हैं चेकलिस्ट है हमारे पास साइट वैल्यूएशन की सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है पहला पॉइंट हमारे पास क्या है वो है पेडिस्टेरियन ट्रैफिक वहां पे वॉक इन कस्टमर कितना है नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं और किस तरह के लोग हैं नॉर्मली कुछ लोकेशन ऐसी हैं कि जहाँ पर कस्टमर वॉक इन बहुत ज़्यादा है ये नॉर्मली सेंटर ऑफ द सिटी की लोकेशंस होती हैं जिस तरीके से अगर मैं मीमपोरियम मॉल की या पैकेजेस मॉल की बात करूंगा तो दोनों सूरतों के अंदर वॉक इन कस्टमर का ट्रैफिक इज टू हाई कि नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं किस क्लास से आ रहे हैं तो आपको पहली चेकलिस्ट ये इवेल्यूएट करनी है पहला पॉइंट ये मार्क करना है कितने लोग हैं और किस टाइप के लोग हैं किस टाइप का प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर है दूसरी बात जो आपको इवेल्यूट करनी है वो आपने देखना है कि व्हीकल की ट्रैफिक क्या है उस एरिया के अंदर सो नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी आ रही हैं कौन सी टाइप ऑफ व्हीकल आ रही है और ट्रैफिक की कंजेशन लेवल क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ हम नॉर्मली किसी लोकेशन के ऊपर जब आईड्यूएशन कर रहे होते हैं सो आपको देखना है कि क्या स्टोर की वजह से कोई ट्रैफिक को बहुत ज्यादा तो कंजेशन नहीं हो जाता लेट्स से अगर आप जेल रोड के ऊपर कोई स्टोर ओपन करने जा रहे हैं सो थोड़ी ही देर में थोड़ी ही मिनट्स के बाद वहां पर ट्रैफिक का रेगुलर प्रॉब्लम है सो so, इस केस के अंदर यू हैव टू रियली सी कि क्या मुझे वहाँ पर स्टोर ओपन करना है या मुझे ओपन नहीं करना क्या वहाँ पर टाइप्स ऑफ व्हीकल अलाउ हैं या नहीं है छोटी सी एग्जाम्पल इस परस्पेक्टिव में जिस तरीके से अगर आप लेट्स से मॉल रोड के ऊपर कोई स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि ठीक है दैट इज एन आइडियल लोकेशन वॉक इन कस्टमर भी है सारी बातें हैं तमाम तरह की व्हीकल अलाउड है या नहीं है तो जब मैं टाइप ऑफ व्हीकल वाले पॉइंट के ऊपर आता हूँ इस पॉइंट के ऊपर सो so मुझे देखना है क्या जो सप्लायर्स सामान लेकर आएंगे मुझे सप्लाई देने के लिए क्या वो लार्ज व्हीकल वो मजदा ट्रक वो कंटेनर क्या अलाउड है उस पर्टिकुलर रोड के ऊपर इजीली एक्सेस के लिए अगर नहीं है तो ऑफकोर्स ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा तो आपको देखना है वेल्यूट करना है कि कौन सी टाइप्स ऑफ व्हीकल जो है वो अलाउ हैं उस पर्टिकुलर साइट के कैचमेंट एरिया के अंदर या वहां पर हैं और कौन कौन कितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स का एक्सेस है सो बाय वॉक कितना है वॉकिंग कस्टमर कितना है गाड़ी के वाला कस्टमर कितना है सो द थर्ड पार्ट जो आपको देखना है एवेल्युट करना है वो है पार्किंग फैसिलिटीज क्या नंबर एंड क्वालिटी ऑफ पार्किंग स्पॉट्स मौजूद हैं डिस्टेंस टू स्टोर कितना है क्या लोगों को ईजिली एक्सेसिबल है और अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पार्किंग मौजूद है या नहीं है अगर आप लट से आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं कुछ बाय करना चाहते हैं और आप किसी मार्केट में चले गए विच इज़ द होल सेल मार्केट सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस इज द पार्किंग तो आपको साइट इवेल्युएट करते हुए क्या देखना है क्या एम्प्लॉई के लिए गाड़ी खड़ा करने की जगह है क्या कस्टमर्स के लिए प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटी है क्या कस्टमर को इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है कि वो आकर स्टोर में इजीली आके शॉपिंग कर सके सो so ये सारी बातें आपको कंसीडर करनी है वाइल इवेलुएटिंग योर साइट देन ट्रांसपोर्टेशन का परस्पेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है मेन हाईवेज से एक्सेस है डिलीवरीज लेना स्टोर के अंदर ईजी है क्या वहाँ पर कोई मेट्रो बस सिस्टम कोई मैस ट्रांजिट सिस्टम कोई ऑरेंज लाइन कोई ऑरेंज ट्रेन की फैसिलिटी कोई इस तरह की कोई फैसिलिटी अंडरग्राउंड ट्राम या ट्रेन की फैसिलिटी मौजूद है कोई मैस ट्रांजिट मौजूद है कि नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे जो ये मेट्रो बस सिस्टम्स की तरह के सिस्टम्स हैं ये इजीली आपको किसी भी जगह का पर पूरे शहर में ले जा सकते हैं स्टोर वहां पर ज्यादा सूटेबल होगा जहां पर इजीली आपको मैस ट्रांजिट फैसिलिटी मिलेगी इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्टोर कॉम्पोजिशन आपको इवेल्यूएट करना है कि नंबर एंड साइज ऑफ स्टोर कितने हैं आपकी आ, उस पर्टिकुलर एरिए के अंदर उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिया के अंदर और क्या कॉम्पोजिशन क्या है मैं इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल आपको इस तरीके से देता हूँ कि अगर लेट्स से किसी स्ट्रीट के ऊपर वो सारी मीट शॉप्स हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप्स हैं और उसके दरम्यान में आप कहीं कोई ब्रांडेड क्लोथिंग या ब्रांडिंग टेक्सटाइल का आउटलेट ओपन कर लेते हैं सो so, जो रिटेल बैलेंस है वो नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रीट के ऊपर उस पर्टिकुलर क्योंकि वो मार्केट इज सेट फॉर सम अदर प्रोडक्ट एंड सम फॉर अदर बिजनेसिस तो आपको रिटेल बिजनेस को इवेल्यूएट करना ताकि स्टोर की कॉम्पोजिशन को इवेल्यूएट कर सकें और अगर आपकी स्टोर आपके साइट आपके स्टोर के बिजनेस के परस्पेक्टिव से मैच करता है इट इज आइडियल टू गो विद दैट पर्टिकुलर साइट फिर स्पेसिफिक साइट के हवाले से विजिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट क्या जो साइट में चूज करने जा रहा हूँ उसकी विजिबिलिटी स्ट्रांग है प्लेसमेंट इन द लोकेशन स्ट्रांग है शेप ऑफ द स्टोर जो मैं जो साइज ऑफ द प्लॉट चाहिए क्या वो अवेलेबल है क्या जो साइज और शेप ऑफ द बिल्डिंग मैं इंस्पायर कर रहा हूँ वो मुझे मिल रही है जिस तरह अक्सर औकात जो रिटेलर्स हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि मुझे कॉर्नर वाली लोकेशन मिल जाए मुझे कॉर्नर प्लॉट मिल जाए ताकि मेरी लोकेशन दोनों तरीके से दोनों साइड से इजीली एक्सेसिबल हो विजिबल हो टू द कस्टमर तो आपको इवेल्यूएट करना है स्पेसिफिक साइट के परस्पेक्टिव में फिर टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या मिल रही हैं क्या मुझे कोई नाइन्टी नाइन ईयर्स की थर्टी थ्री ईयर्स की सिक्सटी सिक्स ईयर्स की कोई लीज फैसिलिटी मिल रही है या मुझे ओन ही करना पड़ेगा वहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है वहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है वहां पर टैक्सेस क्या है वहां पर जोन फैसिलिटीज़ क्या है तो वो तमाम बातों को मुझे इवेल्यूएट करना है जब मैं साइट की इवेल्यूएशन कर रहा हूँ और ऑफ़ कोर्स अगर वो फेवर में होंगे आई विल गो एंड सेलेक्ट दैट साइट और अगर वो फेवर में नहीं होंगे आई विल ऑफकोर्स डी सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर साइट और लास्ट में मुझे ओवरऑल इवेल्यूएशन करनी है ओवरऑल रेटिंग करनी है उस साइट की जनरल लोकेशन परस्पेक्टिव में और स्पेसिफिक साइट के हवाले से मुझे यह देखना है कि क्या मेरी ओवरऑल रेटिंग ऑफ दिस साइट इज पॉजिटिव क्या इसके जो मार्क्स है इसकी जो रेटिंग है आउट ऑफ टेन इट इज सेवन एट नाइन टेन इट इज समथिंग लाइक दिस और मे बी इट इज सिक्सटी परसेंट से लेस इट इज लेस देन सिक्स तो अगर वो अच्छी रेटिंग है विच इज एट लीस्ट सिक्स एंड प्लस अगर वो है सो आई विल गो एंड ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर साइट तो साइट इवेल्यूएशन चेकलिस्ट इज ए मस्ट फॉर एवरी रिटेलर अगर इस साइट चेकलिस्ट को फॉलो नहीं किया आपने वाइल एल इवेल्यूएटिंग योर साइट और साइट हेज बिन सिलेक्टेड ऑन सम अदर पैरामीटर्स तो ऑफ कोर्स द रिटेलर हैज फेस द कंसिक्वेंसेज एंड दैट कंसिक्वेंसेज कुड भी डेंजरस कुड हार्मफुल फॉर दैट पर्टिकुलर रिटेलर इन द शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्गर रन